हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाय हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चा? एकदम बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इंद्रजीत सिंह आपका अनअकैडमी नीट लाइफ डेली पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चा जी, अनअकैडमी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बच्चा जी, आपको पता है राइट नाउ द कंट्री इज अंडर द लॉकडाउन सिचुएशन एज बिकॉज ऑफ COVID-19, राइट? तो इस सिचुएशन में भी आपके सामने हमारा मोटिव यही है, किस तरीके से आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, राइट? बच्चा जी, क्लियर है? सही कह रहा हूं ना मैं? सो गाइस, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और हम हमारी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड। पिछली बार एक सेशन हुआ था, थियोरिटिकल सेशन था, आज उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सिर्फ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, राइट बच्चा जी? सो एंड तक बने रहिएगा, राइट? एंड तक बने रहना, ओके बच्चा जी? ऑसम क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम विद एन ऑसम विजुअलाइजेशंस, ओके गाइस? तो चलिए, जिन लोगों को मिलिए, मैं नया हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माइसेल्फ इंद्रजीत सिंह, राइट? आप मुझे बुला सकते हो आईएएस भैया, हैविंग 5+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट? हर बार कहता हूं इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। सही कह रहा हूं मैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है बच्चा जी? चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, टेलीग्राम ऐप है, अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक जरिया है टेलीग्राम ऐप, जो आप डाउनलोड कीजिए, ब्राउजर में जाइए, इस लिंक को एंटर कर दीजिए, आप हमसे कर सकते हैं सीधी बात, राइट बच्चा जी? और सेकेंडरी थिंग सिंपल सी ये है कि आप हमारी अनअकैडमी पे, आप हमारी प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी आप हमें टेक्स्ट मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चा जी? यस, चलिए। तो देखो, अगर आपको बायोलॉजी के वीडियोस देखने हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, पूरा खजाना आपको एक लिंक में दे रहे हैं हम, आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, राइट? पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, बस आपको ये लिंक एंटर करनी है, ब्राउजर में सारा खजाना आपके साथ आ जाएगा। प्रेस प्ले, बस, ठीक है? चलिए, सो गाइस, सिंपल सी चीज है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूं। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस, आप उनके साथ सीधा कर सकते हो इंटरेक्ट। क्लास में क्वेश्चन आएगा लीडर बोर्ड के जरिए, उस क्वेश्चन का आंसर दो और लीडर बोर्ड के जरिए अपनी क्लास में रैंक जानो। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस और बच्चा जी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। See guys, lots of courses are going on, some crash course, some strategy courses, right? Or some of the detail courses. ये आपको Unacademy subscription हर तरीके से quality education provide कर रहा है, right बच्चा जी? Yes. तो simple सी चीज है, अगर आपको जो है answers into the comment box, those who are online. Hi everyone. Hi बच्चा जी. Okay. So Sachin, okay, Shinchen, Rather, Tony, Ashok, Neeraj, Shrestha, खुशी, स्वाधीनता, नेहा, नीरज, नेहा गौतम, शिंचन, श्रेष्ठा, हाय लूडो क्वीन। सो गाइज, हेलो एवरीवन, लाइक्स को प्रेस करते रहना यार, सेशन तुरंत शुरू कर रहे हैं, ओके? पेन और बुक लेके तैयार हो जाओ, एक मिनट का टाइम मिलेगा, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में देना जाना। हाँ श्रेष्ठा, श्रेष्ठा हितेश डेढ़ बजे वाले सेशन में दोनों नहीं थे, श्रेष्ठा और हितेश डेढ़ बजे वाले सेशन में दोनों नहीं थे, ठीक है? मैंने पूरा ध्यान दिया था। चलिए, आइए गाइस, चलते हैं टुवर्ड द कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इट इज नोन एज। कैन आई हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स बच्चा जी? कैन आई हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स? फर्स्ट काउंटडाउन शुरू हो चुका है, राइट? यस खुशी, आई नो यू आर न्यू ईयर। Yes, sir, tomorrow I was absent. Okay, yesterday you were not absent, tomorrow you were absent. बहुत बढ़िया, चलो। Can I have the answers into the comment box for this? अब देख लेना, फॉर्मूला मैप था हितेश श्रेष्ठा, देख लेना फॉर्मूला मैप था, डेढ़ बजे जो क्लास गई थी वो फॉर्मूला मैप की गई थी, उसको जरूर देख लेना बच्चा जी, ठीक है? ओके, आर्यदीप, ओके, नीरज, नेहा, कृतिका, अशोक हैज गिवन द आंसर, ओके, वर्मा, राजपूरे हैज गिवन द आंसर, आर्यदीप। गाइज, ए आएगा बी, एंगल ऑफ डिप आएगा कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आएगा? गाइज थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो आप, लेस देन 10 सेकेंड्स आर रिमेनिंग। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन, ओके, इट इज ए और बी। चलो, सी और डी तो कट गया, ओके, हंस, नेहा, ओके,
beta, that is an angle of declination, right? Angle of declination is a perfect answer. सही कह रहा हूं ना बच्चा जी मैं? देखिए ये है आपका नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ, ये आपका क्या है जियोग्राफिक साउथ, और यहां पे जो एक्सिस पे आता है प्लेन, दैट इज जियोग्राफिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है? हाँ, है ना? ओके, और ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, राइट? वो जिस एक्सिस पे लाई करता है बच्चा जी, उसको बी आएगा गाइज एंसर, बी आएगा परफेक्ट, राइट? मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बी इज अ परफेक्ट आंसर, यस यस। तो गाइज जिस एक्सिस पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जिस एक्सिस पे वो मैग्नेट लाई करता है, राइट बच्चा जी, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है। समझ में आ रही है? ये मैग्नेट का, बार मैग्नेट का साउथ, ये नॉर्थ। समझ में आया? दिस इज अ मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज अ मैग्नेटिक नॉर्थ। समझ में आ रहा है बच्चा जी? तो यहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वुड बी द परफेक्ट आंसर। यस आर्ग्यदीप, आई नो दैट यू मेड इट द करेक्ट। गाइज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके? चलिए, जिसका ये आंसर आया प्लस फोर अपने मार्क्स में जोड़ देना, तुरंत हम बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड थियोरिटिकल सेशन करवाया था, अब मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल सेशन भी करवा रहा हूं, ये ले रहा हूं, ओके? चलिए, द लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड आर, क्लियर है बच्चा जी? द लाइंस ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू द अर्थ, काउंटडाउन शुरू कर रहा है बच्चा जी, चलिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, राइट? द लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स फास्ट। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हितेश, श्रेष्ठा, हंस, हंसराज हैज गिवन द आंसर, स्वर्णिमा, शिंचन, ओके ओके, बहुत बढ़िया बच्चा जी, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा। ओके, नाउ अप्रोक्सीमेटली 35 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, ओके। जिशान सेज ए, समवन सेज बी, आयुष सेज बी, सी। गाइज एलिप्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक, अरे सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। गाइज थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सी नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल पे हम बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे, नो कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ओके? नो नो बच्चा जी, ध्यान से आप दो, वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नॉट नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है ना बच्चा जी? यस यस बी, ओके। हम देखो, ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आपका आ जाएगा एंगल डेल्टा, टेन डेल्टा। आप क्या लिखते हैं? बीवी बाई बीवीएच लिखते हैं ना बच्चा जी? हाँ, है ना? अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर आप बोल रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अर्थ में देखो, ये विजुअलाइजेशन में दिख रहा है, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, राइट? ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, एंड दिस वन वुड बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चा जी, हाँ, है ना? तो हर जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, समझ में आ रहा है ना? हाई मयंक, गुड आफ्टरनून, राइट? सो दैट वुड बी द पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस। समझ में आ रहा है ना? सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो कंपोनेंट निकलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट वुड बी द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ओके गाइज, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझो, एक एक वर्ड को पकड़ो, क्या क्या बोला गया है, एक एक वर्ड को पकड़ो बच्चा जी, क्या क्या बोला गया है, ठीक है ना? तो आपको और बेहतरीन तरीके से, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डेल्टा एंगल अर्थ के सरफेस के साथ बनाती है, मतलब अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल हो गया, अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल हो गया बच्चा जी। तो पैरेलल में क्या होता है? इट इज ऑलवेज फॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन। नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे तो आपका आंसर बदल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे तो गाइज आपका आंसर बदल जाएगा। एकता बेटा, यू आर लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ हॉरिजॉन्टल, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो हर जगह, समझ में आ रहा है ना? दैट वुड बी पैरेलल टू द अर्थ सर्फेस, समझ में आ रहा है ना? राइट, सो इट विल ऑलवेज मेक द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। वर्ड अगर खाली स्ट्रेट लाइन आता तो गलत हो जाता, आंसर में दिया हुआ है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बच्चा जी, क्लियर है ना? आंसर में क्या दिया हुआ है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ओके, आई प्रद्युम, ओके बच्चा जी,
तो दिस इज द परफेक्ट आंसर. चलिए आगे चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. थैंक यू कार्तिक. क्या एंगल ऑफ अ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर वुड बी. एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर वुड बी. आशुतोष सुपर सर. थैंक यू बच्चा जी. चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं. कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स. मे बी अगर जिसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान से पता चला होगा राइट तो इस विजुअलाइजेशन में ही आंसर दिया हुआ है. इस विजुअलाइजेशन में ही आंसर दिया हुआ है. ठीक है बच्चा जी. आयुष एकता आशुतोष ओके 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 गाइज बहुत बढ़िया. हंसराज हितेश एकदम जहर क्लियर. थैंक यू बच्चा जी. आयुष थैंक्स फॉर द लव फ्रॉम योर साइड. ईशा ईशा हैज गिवन द आंसर. Indian students need this type of teachers. What do you say? Thanks Kartike for this comment. Guys, तुम लोग पूरा ध्यान से पढ़ो, समझ में आया, फिर comment करो, किसी को follow मत करो. काफी बच्चे सही answer दे रहे हैं. जो B, C, D वाले हैं वो थोड़ा सोचो. Shefa has given the correct answer. Samman has given the correct answer. Right? Okay. Zishan, थोड़ा सोचो बच्चा जी. आकाश आर्यदीप थोड़ा सोचो. 90 degree कैसे form होगा magnetic equator पे? मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है? बेटा एंगल ऑफ डिप देखो मैग्नेटिक इक्वेटर पे, समझ में आ रहा है? देखो ये अर्थ हो गया. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को यार, ऐसे क्यों करते हो? समझ में आ रहा है ना? है ना. देखो ये आपका हो गया जियोग्राफिक, जो हमारा इक्वेटर रहता है राइट बच्चा जी. हाँ ना. और ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया. ओके ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया. समझ में आ रहा है बच्चा जी? मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया. अब मैग्नेटिक इक्वेटर पे बच्चा जी बहुत सिंपल सी चीज है. कौन सी मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, या मैग्नेटिक फील्ड रहेगी या नहीं रहेगी? मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है बच्चा जी, तो हमारा एंगल डिप भी जीरो हो जाएगा. Yes, A is the perfect answer. Guys, question को थोड़ा ध्यान से देखो. Right बच्चा जी, A is the perfect answer. Magnetic equator की बात कर रहा हूं मैं बच्चा जी. हाँ है ना. वहां पे magnetic field रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है ना? उस पर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डिप क्या है. राइट right? तो यहाँ पे हमारा जीरो वुड बी द परफेक्ट आंसर. ओके कार्तिक क्या, थैंक्स बच्चा जी. संस्कार नीरज श्रेष्ठा ओके okay. और गाइज शाम को 8 बजे जरूर प्रेजेंट रहना. थियोरिटिकल सेशन चलाने वाला हूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के रिलेटेड. थियोरिटिकल सेशन चलाने वाला हूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के रिलेटेड. ओके बच्चा जी जरूर प्रेजेंट रहना. सही कह रहा हूं मैं, जरूर प्रेजेंट रहना. ओके बच्चा जी ठीक है ना. और गाइज लाइक्स को प्रेस करते रहने, लाइक्स को. यस ओम हैज गिवन द करेक्ट आंसर. दे आर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल है तो वो खुद ब खुद बता रहा है कि एंगल 0 degree बनाएगा. समझ में आ रहा है एंगल क्या बनाएगा? 0 degree. हाय यूजस्वी. चलिए जिसका ये आंसर आया है +4 अपने मार्क्स में जोड़ दो. राइट बच्चा जी, जिसका ये आंसर आया है +4 अपने मार्क्स में जोड़ दो. ओके चलिए क्लियर है ना. ओके इट्स ओके बिक्षम ईशा. ओके ना बच्चा जी. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द करेक्ट रिलेशन, यार ये आंसर तो तुम लोग मुझे आंसर बॉक्स में तुरंत दोगे. मैं काउंटडाउन तुरंत स्टार्ट कर रहा हूं बिना देखे. सबलीन बेटा मंडे ट्यूसडे वेनसडे 11th का क्रैश कोर्स चलेगा. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 12th का क्रैश कोर्स चलेगा. समझ में ना, इस तरीके से डिवाइडेड है. तो आप प्रेजेंट रहा करिए. अब जैसे कि कल मैंने फ्लुइड्स चलाया था, समझ में आ रहा है ना बच्चा जी? तो आज 12th का कोर्स चला रहा हूं, तो इस तरीके से जरूर ध्यान रखिए. हा ना बच्चा जी. ओके और हाँ, ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए. राइट उनको भी पता चले व्हाट द थिंग They are going to miss or they are missing right now. Likes को press करते रहिएगा. Likes को press करने में कोई कंजूसी नहीं. Okay बच्चा जी. Yes. Now see you are giving the correct answer. क्यों? क्योंकि इस question में तुम लोगों को confidence है. उस equations के साथ आप maximum तरीके से deal कर चुके हो. तो आपको questions के साथ comfortable feel करवाने के लिए maximum practice करनी है. ताकि आपको equations देख के ही sense आ जाएगा. Approach लग जाएगी. फिजिक्स में अप्रोच आपकी लगेगी मैक्सिमम 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 क्वेश्चन से बच्चा जी. जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ऐसी. कीर्ति हितेश गौरव उज्वसी योगेश मोहम्मद हंसराज ओके सम कॉन्क्रीट कार्तिके ओके कीर्ति मिशिका अजीत उज्वल रेक्सी
Arun, Animesh, okay, Mohammed, Verma, Yogesh, all have given the Roshan, okay, all have given the परफेक्ट आंसर. और मुझे ये बोलने की भी जरूरत नहीं है क्यों, नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर होता है. यही हमारा आंसर आएगा एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर. यस स्वाधीनता, आर्य, ईशा, सौकत, योगेश, आकाश, रोशन, कीर्ति, उज्ज्वल, आर्यन, ताहसी. ताहसी आप भी प्रेजेंट नहीं थे एक बजे वाले सेशन में, डेढ़ बजे वाले जरूर प्रेजेंट रहिएगा. या फिर फॉर्मूला मैप मैंने मोशन का पहले मैंने फॉर्मूला मैप करवाया था ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, फिर मैंने फॉर्मूला मैप मोशन का करवाया है, जरूर देख लीजिएगा और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर डालिएगा उस वीडियो पे और लाइक्स भी जरूर करिएगा. ठीक है बच्चा जी, फिर आगे उसमें लिखिएगा कि कौन से चैप्टर के फॉर्मूला मैप की आपको रिक्वायरमेंट, हम वो भी करेंगे. तो गाइस जिसका ये आंसर आया प्लस 4 अपने मार्क्स में जोड़ दो. राइट बच्चा जी, ओके चलो आगे चलते हैं. ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है. अ डिप निडल इनटू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन विल रिमेन. कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स. बच्चा जी मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. मैग्नेटिक मेरिडियन पे मैग्नेटिक निडल, समझ में आ रहा है ना, कैसे प्लेस होगी, मतलब उसकी पोजिशन क्या होगी. आंसर दीजिए कॉमेंट बॉक्स में. सत श्री अकाल बच्चा जी, हंसराज सत श्री अकाल. चलो एकता इज गिवन द आंसर, शाहबाज इज गाइस नहीं एंड एनी डायरेक्शन नहीं होगी. थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, बी भी नहीं होगा. ध्यान से देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन की वजह से है. देखो ना ये आपको विजुअलाइजेशन में सीधा दिख रहा है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन की वजह से है. राइट बच्चा जी, नो थोड़ा आप ध्यान से देखो गाइस, थोड़ा ध्यान से समझने की ट्राई करो. समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना. सत श्री अकाल आशीष बेटा, सत श्री अकाल. क्लियर है ना, नहीं थोड़ा ध्यान से देखो. चलिए टाइम्स अप हो गया है, तुम लोग कॉन्सेप्ट में मिस कर रहे हो. प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन विल रिमेन. A deep needle in a plane perpendicular to the magnetic meridian. Okay, चलो बहुत बढ़िया. देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, समझ में आ रहा है बच्चा जी, एक चीज हमेशा याद रखना, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा जी, दैट इज बिकॉज ऑफ द बार मैग्नेट. ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है. मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आती है बच्चा जी और इस तरीके से अंदर जाती है, इस तरीके से आती है और इस तरीके से ये अंदर जाती है. ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल सिनारियो है, समझ में आ रहा है ना. अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, देखो गाइस मैग्नेटिक मेरिडियन ये होता है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन. समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन. समझ में आ रहा है ना हमेशा. अब गाइस मान लो आप यहां पे प्लेस कर रहे हो निडल, समझ में आ रहा है ना, हमें इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात की गई है. The plane that is perpendicular to the magnetic meridian. The plane that is perpendicular to the, yes. Ohm has given the, yes. Ohm has given the correct answer. बच्चा जी कहीं पे भी magnetic needle रखोगे ना तो ये घूम के vertical ही हो जाएगी. समझ में आ रहा है बच्चा जी, घूम के vertical ही हो जाएगी. थोड़ा concept पे ध्यान से ध्यान दो बच्चा जी. Right? Ohm has given the correct explanation बच्चा जी. राइट, हाँ है ना, ठीक है ना. यहां कहीं पे भी आप किसी भी पोजिशन पे रखोगे ना, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ है, समझ में आ रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, समझ में आ रहा है. तो कहीं पे भी आप निडल रखोगे, समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना, तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोजिशन में होगी, वो वर्टिकल ही हो जाएगी, वो वर्टिकल ही हो जाएगी. ठीक है बच्चा जी, वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल ही हो जाएगी. एम आई करेक्ट बच्चा जी, एकदम बढ़िया, हाँ है ना. ये चीज हमेशा आप याद रखना, ठीक है ना, इट विल ऑलवेज प्लेस वर्टिकल. ओके यस नाइस बच्चा जी, ओम इज गिवन द वेरी परफेक्ट आंसर फॉर दिस. राइट ना, सो हमारा यहां आंसर क्या आएगा, वर्टिकल. राइट बच्चा जी, हाँ है ना. आशीष बेटा, यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. राइट बच्चा जी, ऑन अ टेलीग्राम और यू कैन आस्क मी ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बाय टेक्सटिंग अस. ओके गाइस, राइट, सो दिस इज अ परफेक्ट आंसर. चलिए
छोटी छोटी चीजें होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, हम जो मिस करते हैं उसको अगर हम ध्यान देते हैं तो बहुत जबरदस्त चीज आ जाती है, राइट। हाँ बेटा सवलीन कौर आप पूछ सकते हो, बेफिक्र बच्चा जी, ठीक है ना। चलिए गाइस बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। सर्टेन कोई एक सर्टेन प्लेस की बात कर रहे हैं जहां डिप एंगल 30 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। डिप दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना, 0.50 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। प्रमोद हैदराबाद सिकंदराबाद इंद्रजीत सर जिंदाबाद, थैंक यू बच्चा जी। चलिए कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स फॉर दिस क्वेश्चन बच्चा जी। बातें तो बहुत तुम लोग अच्छी चटपटी कर लेते हो यार, कभी कभी थोड़ा आंसर भी मस्त तरीके से पूरा रीड करके दे लिया करो। सत श्री अकाल दिलीप, क्लियर है बच्चा जी, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। राजेंद्र कुमार आई थिंक द मिक्स लैंग्वेज वुड बी क्वाइट कंफर्टेबल फॉर यू ऑल, राइट। चलिए जिशान बाला श्रेष्ठा उज्वसी विवेक एकता मन ताहसी वेदर मिशिका उज्वसी सौकत विकास अरुण वर्मा स्वाधीनता उज्वस, ओके इंडियन रिदम ऑल हैव गिवन द आंसर, यस बच्चा जी, ओके ठीक है बच्चा जी। चलिए तो गाइज आइए इसको देखते हैं, देखिए इसका हाँ गाइज इंपॉर्टेंट, रात को 8 बजे प्रेजेंट रहना, बहुत ऑसम सेशन आने वाला है थियोरेटिकल विद ऑसम विजुअलाइजेशंस। चलिए अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है 0.50, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 0.5 को क्या मैं लिख सकता हूं 1/2, समझ में आ रहा है ना। अब 10 डिप 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल होता है, तो वर्टिकल फील्ड क्या हो जाएगा 10/30, समझ में आ रहा है, इनटू हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल आपका हो गया 10/30 1/√3 और हाफ, तो इसकी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 1/√3, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था 1/2, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या ढूंढना है बच्चा जी, नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, क्या ढूंढना है नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें ढूंढनी है, राइट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ढूंढते हैं तो दैट वुड बी क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, इसको आप रिजोल्व करोगे तो 1/√3 आपका आंसर आएगा, क्लियर है गाइस, 1/√3 आपका आंसर आएगा, राइट बच्चा जी, क्लियर है ना, परफेक्ट, यस डायरेक्ट आ जाएगा मिशी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए टीचर तो मुझे थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज आई विल थिंक वी विल गेट रुइन, ओके गाइस। तो जिसका ये आंसर आया है +4 अपने मार्क्स में जोड़ दो तुरंत, राइट, +4 अपने मार्क्स में तुरंत जोड़ दो, ठीक है बच्चा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गाइज लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, राइट हाँ है ना, लाइक्स में कोई कंजूसी नहीं, जो भी है सब लाइक्स को प्रेस करेंगे और जो फ्यूचर में देखेंगे वो भी सब लाइक्स को प्रेस करेंगे, टोटल 2000+ फुल टारगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर टू द पोल्स इज, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर और पोल पे बात की गई है, इक्वेटर और पोल पे बात की गई है। राजेंद्र बेटा हियर द अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स वी आर हैविंग द मिक्स लैंग्वेज हियर बच्चा जी, ओके सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स विल गो ऑन बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ द एंटायर ऑडियंस, ओके बच्चा जी, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके थैंक्स फॉर योर सजेशंस। चलिए तो गाइस काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। हाय सेहर, ओके यू गॉट यू बैक, यू आर बैक, सो सिमिलरली 8 बजे भी वापस आ जाइएगा, राइट ना। दिलीप थैंक्स बच्चा जी, अमन वर्मा श्याम सेहर आकाश, ओके हसन अमन, ओके गाइस ऑल आर गिविंग द आंसर्स, सत श्री अकाल बेटा दिलीप। चलो आई थिंक लेस देन 25 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, सहर सेज यू आर ग्रेट भैया, थैंक यू सहर बेटा, थैंक्स फॉर द लॉट्स ऑफ लव। श्रेष्ठा हैविंग फील कंफ्यूज्ड, तासी
बेटा 2:1 आएगा, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 1:1 आएगा, 2:1 आएगा कि 1:1 आएगा। टोटल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, टोटल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं बच्चा जी, टोटल इंटेंसिटी। सरिता, गौरव, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। नो, टोटल इंटेंसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, टोटल इंटेंसिटी। कहीं पे भी आप देखते हो तो B इज इक्वल टू B हॉरिजॉन्टल ऑफ I प्लस B वर्टिकल ऑफ J होता है। समझ में आ रहा है ना? वेरिएशंस आर मेजर्ड समझ में आ रहा है ना, बिटवीन BV एंड BH अकॉर्डिंग टू द एंगल। समझ में आया? बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल इंटेंसिटी। यस, रूही, कीर्ति, अलीम, आर्यन, योगेश, तासी, जैसे ही मैंने बोला कि मैं कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो तुम लोगों ने आंसर एकदम डेविएट कर दिया। सही है बच्चा जी? आया ना? तो जैसे कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में वेरिएशन आते थे, इसी तरीके से यहां अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में हम इक्वेटर से लेके पोल तक जाते हैं तो एंगल बदलता है, तो एंगल बदलने से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यूज में वेरिएशन आएगा, लेकिन हमेशा उनका मैग्नीट्यूड तो बी ही रहेगा, तो टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमेशा 1:1 रहेगी। यस आकाश, टोटल इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? 1:1 ही रहेगी। क्लियर है बच्चा जी? राहुल, दिलीप, योगेश, आकाश, आयुष, सरिता, शौकत, दिलीप, ओके, वर्मा जी, क्लियर है? चलिए, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं समझ सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड की थियरी अर्थ की थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन इतनी कंफ्यूजन नहीं है कि हमारे इरादों को अस्त कर सके। ठीक है बच्चा जी? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑसम, वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्टेन पोजिशन पे बात कर रहे हैं, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.3 गॉज है और उसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 0.5 गॉज है, तो उसका एंगल ऑफ डिप क्या होगा? काउंटडाउन शुरू करते हैं। कैसे हैं? कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। काउंटडाउन एज बिगन बच्चा जी, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। बेटा अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे ये काउंटडाउन खत्म हो जाएगा एंड अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। स्वाधीनता, मोहम्मद, गाइज लेस देन 15 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। ओके, आई थिंक सम स्टूडेंट्स, सम एस्पिरेंट्स आर नियर टू द आंसर, लाइक अनुबाला इज नियरर, श्याम इज नियरर, रूही इज नियरर, यस बच्चा जी, सोनी इज नियरर, यस, आई थिंक सम माइट बी आर नियरर, सम आर थोड़ा फार अवे। चलो यार, हाय अमन, चलो आओ क्वेश्चन को देखते हैं। राइट, देखो टाइम्स अप है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आ रहा है 0.3 गॉज, समझ में आ रहा है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 गॉज, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होती है बी का स्क्वायर, दैट इज बी वर्टिकल स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अब बी वर्टिकल का स्क्वायर आपका हो जाएगा 0.16 और यहां से वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा 0.4 गॉज। तो पहले मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला की मदद से हॉरिजॉन्टल को रिप्लेस करके मैंने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस करके मैंने फाइंड कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को मैंने फाइंड कर लिया। अब कुछ नहीं करना, समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डिप ढूंढना है। सो 10 phi दैट इज इक्वल टू बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल था 0.4, हॉरिजॉन्टल हो गया 0.3, ये हो गया आपका 10 phi, तो phi क्या हो जाएगा? 10 inverse of 4/3, That would be my perfect answer. Akash is online teaching. Nice, sir. Thank you, Bachaji. Sarita, thanks for the love. Dilip, thanks for the love. Right, Bachaji? Okay, guys. So, this is my perfect answer. Kuch nahi hai, thoda question ko dhyan se samjhoge to sari cheeze aa jayegi. Right?
तो जिसका ये आंसर आया है प्लस फोर अपने मार्क्स में डेफिनेटली जोड़ दो, राइट right? जिसका ये आंसर आया है प्लस फोर अपने मार्क्स में डेफिनेटली जोड़ दो। पढ़ना बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, नेट इंटेंसिटी क्या होती है, वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, वर्टिकल देखो पॉइंट 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो वर्टिकल पॉइंट 4 गॉज आ जाएगा, ठीक है ना। अमन सेज यू एक्सप्लेन वेल, थैंक यू बच्चा जी। सो गाइज इसका आंसर टेन इनवर्स ऑफ 4/3 आएगा, ओके okay, जिसका ये आंसर है प्लस 4 अपने मार्क्स में जोड़ दो। यू आर बेस्ट टीचर, थैंक्स वर्मा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चा जी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट right? बहुत बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्व कीजिएगा और मुझे इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। द मैग्नेटिक कंपास इज नॉट यूजफुल फॉर नेविगेशन एट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स पे क्यों मैग्नेटिक कंपास को कभी भी यूज नहीं किया जाता? कैन यू द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। द काउंटडाउन स्टार्ट्स। परना डोंट गेट वरीड, ठीक है ना। आप मुझे टेलीग्राम पे या अनअकैडमी में भी आप मुझे मैसेज करके वो क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके बच्चा डोंट गेट वरीड, है ना, चिल। अभी आप फ्लो के साथ चलिए, फिर मैं वो वाला जवाब आपको जरूर दे दूंगा। ओके यस आई थिंक अमन, आकाश, एकता, राहुल, मोहम्मद, युपेश, युगेश, एकता, आर्यदीप, आर्यदीप साहा सेज योर एक्सप्लेनेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चा जी यस इट्स परफेक्ट। ओके अमन नथिंग स्पेशल, थैंक्स दिलीप। ओके सो गाइस टाइम्स अप, इस चीज में कुछ भी नहीं करना, आराम से बी तो नहीं, बी बी हाँ देखते हैं। चलिए आइए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, समझ में आ रहा है बच्चा जी। आइए एक एक पॉइंट को हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं, यही तो हमारा काम है, राइट right? अब देखो सिंपल सी चीज है, मैग्नेटिक कंपास इज नॉट यूजफुल फॉर नेविगेशन। मान लो आपकी शिप जो है वो मैग्नेटिक पोल पे कहीं पहुंच रही है। एक्चुअली मैं रियल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूं, समझ में आ रहा है, तो एक्चुअली बोला जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की जो पोजीशन है ना, हाँ ना, वो उसके नजदीक है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक कंपास वर्क ही नहीं करता। तो मैग्नेटिक कंपास के वर्क ना करने का मैग्नेटिक पोल्स पे ये कारण है बच्चा जी, सिंपल सी चीज है, क्योंकि वहां पे जो फील्ड आएगी या तो वो नॉर्थ की तरफ होगी या तो साउथ की तरफ होगी, तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होगा ना वो स्टिल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एकदम स्टिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बच्चा जी। हाँ ना, तो पोल्स पे हमारी जो फील्ड होती है या तो नॉर्थ इधर होगा या तो साउथ इधर होगा, कोई भी एक इररिस्पेक्टिव, आप उस साइड चले जाते हो या इस साइड चले जाते हो, खैर इस साइड डिफिकल्ट है उस साइड चले जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा बच्चा जी। तो ऑलमोस्ट निडल क्या अपने आप को नॉर्थ की तरफ हमेशा अलाइन करती है, समझ में आ रहा है, निडल अपने आप को हमेशा नॉर्थ की तरफ अलाइन करती है। मोनू से सर यू आर नाइस टीचिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू बच्चा जी, समझ में आ रहा है ना। तो नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन करती है, तो उसमें हमेशा पोल्स पे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वर्टिकल, इसलिए निडल हम यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि वहां से वो अलाइनमेंट हटेगा ही नहीं और वो कोई डायरेक्शन शो ही नहीं करेगा, इसलिए मैग्नेटिक पोल्स पे मैग्नेटिक कंपास यूज करने का कोई सेंस ही नहीं, राइट योगेश बेटा बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक कंपास पोल्स पे हम लेके जाएंगे तो वो स्टिल हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ ही शो करेगा और कोई डायरेक्शन शो ही नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स उसको स्टर अलाइन ही ऐसे करती है कि वो एक नॉर्थ और साउथ के में बीच आके ऐसे अटक जाएगा, हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना बच्चा जी, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती ही वर्टिकल है इस रीजन की वजह से, समझ में आ रहा है ना, इस रीजन की वजह से, क्लियर है बच्चा जी, हाँ है ना, ओके सही है। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो गाइज इसका ये आंसर आया है प्लस फोर अपने मार्क्स में जोड़ दो फटाफट। ओके बच्चा जी जिसका ये आंसर आया है प्लस फोर अपने मार्क्स में जोड़ दो, ठीक है बच्चा जी, हाँ या ना, ओके ओके। तो गाइज चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैग्नेटिक मेरिडियन इज, यार इसका आंसर तो तुरंत कमेंट बॉक्स में दे दो, विजुअलाइजेशन में सीधा आंसर है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या है, आंसर इन टू द कमेंट बॉक्स।
प्रताप बेटा नॉर्थ और साउथ के बीच में अलाइन हो जाती है, दोनों पोल्स की मैं बात कर रहा था, समझ, दोनों पोजीशंस की मैं बात करता था, लेकिन वो एक जगह पे क्या स्टेर हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको हिलने ही नहीं देगी, तो उसका मैग्नेटिक पोल्स पे यूज करने का जरा भी सेंस नहीं है। कैन यू द आंसर्स इन टू द कॉमेंट बॉक्स फॉर दिस बच्चा जी। ओके, हिबा हैज गिवन द आंसर, अमन, स्वास्ति, एकता। अरे यार मैग्नेटिक मेरिडियन बहुत सिंपल है, गलत क्यों बोल रहे हो? दीपांशु, सोनी गलत, युगेश गलत। बेटा बहुत सिंपल सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जहां पे जिस एक्सिस पे बार मैग्नेट को रखा गया है, जिस एक्सिस पे बार मैग्नेट को रखा गया है, अभी तो मैंने बताया जिस एक्सिस पे बार मैग्नेट को रखा गया है। हाय अलीना, हाय गौरव। काशी बेटा डी कैसे आएगा, लाइन अलोंग, हाँ ओके, नॉर्थ एंड साउथ। अरे यार डी नहीं आएगा, ओके मैं बता रहा हूं, चलो ध्यान से सुनो, जो डी आंसर दे रहे हैं उनकी हाफ थॉट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हाफ थॉट के लिए थोड़ा ध्यान से सुनो। इन दिस ऑप्शन इट इज नॉट गिवन जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, कुछ भी चीज नहीं गिवन है। तो ये किस तरीके से आएगा, कौन से नॉर्थ और कौन से साउथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? मतलब ये डी तो नहीं आएगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन को तो हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं बच्चा जी, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? पॉइंट तो हम बोल नहीं सकते, हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। और नॉर्थ और साउथ फोर्थ ऑप्शन में ये नहीं डिफाइन किया गया है कि मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैग्नेटिक नॉर्थ जो वो लाइन अलोंग ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ भी तो हो सकता है, इट इज नॉट एक्यूरेट ना, पर हाँ वर्टिकल प्लेन इज एन एक्यूरेट, क्योंकि ये बार मैग्नेट जहां होता है उस प्लेन पे, उस वो जिस प्लेन में होता है उस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है, इट्स ओके। तो ये छोटी, मैं मान लो डी ऑप्शन को इस तरीके से लिखता हूं, लाइन अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, तो मेरा डी परफेक्ट हो जाएगा, दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, लेकिन ये वर्ड तो है ही नहीं, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा, क्लियर है? हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, यस ऋषिका। So guys, जिसका ये आंसर आया प्लस फोर अपने मार्क्स में जोड़ दो तुरंत बच्चा जी, राइट जिसका ये आंसर आया है प्लस फोर अपने मार्क्स में जोड़ दो तुरंत। चलिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ ऑसम क्वेश्चन इज इन फ्रंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.22 गॉस एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस, देन एंगल ऑफ द डिप इज, गाइज ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट बच्चा जी, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए सॉल्व करके, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, एकता मोरे हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, सर की एग्जाम में हमें इतना परफेक्ट और इतना जल्दी रीजनिंग नहीं हो पाता, बेटा मैं सही कह रहा हूं, आप सही कह रहे हो सॉरी, बट उसका भी एक रीजन है, एग्जाम में अगर हमारे पास पेशेंस एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होगी, पेशेंस एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होगी बच्चा जी, समझ में आ रहा है ना, तो हम उस पॉइंट को भी पकड़ लेंगे जो हमने खुद सोचा नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम हड़बड़ी इतनी करते हैं, इतना हमें एक क्वेश्चन ही देखे टाइम देखा, दूसरा क्वेश्चन ही देखे टाइम देखा, समझ में आ रहा है ना, तो सिचुएशन में मान लो आप 45 क्वेश्चन में से 40 गलत कर रहे हो, समझ में आ रहा है, और 40 सही कर रहे हो और 5 गलत कर रहे हो, ये सिचुएशन होगी। अगर एकदम शांति से करोगे तो 5 नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, 40 तो परफेक्ट आएंगे, तो दोनों में सिचुएशन में 5 मार्क का फर्क रहेगा, अगर आप हड़बड़ी करोगे तो 5 मार्क का नुकसान करोगे, अगर आसानी से सॉल्व करोगे तो 5 मार्क गेन नहीं करोगे, बचाओगे। नीट में रैंक वही लाता है जो अच्छा डिफेंस करना सीखता है, कैसा डिफेंस, अपनी साइकोलॉजी के साथ डिफेंस, मैं नीट के बारे में पहले ही बता चुका हूं, नीट तुम लोगों के लिए एक ससुराल है, ठीक है ना बच्चा जी, वहां जाना है ना, तो नई बहू वहां जाएगी तो अपने आप को मेंटेन करना है, ठीक है ना, तो ससुराल में सबसे करीबी आपका रहेगा आपका लाइफ पार्टनर जो होगा बायोलॉजी,
घर के हर एक मेंबर के साथ आपको केमिस्ट्री बिठानी है और घर की जो सांस रहेगी वो रहेगी फिजिक्स, तो उसको सेटिस्फाई करना दुनिया में मुश्किल हो जाता है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. ओके गाइस, चलिए. ओके, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, एमना, अशोक, गौरव, अमन, सोनी, एकता, हितेश, ऑल हैव गिवन द आंसर. चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है 0.22 गॉस, राइट बच्चा जी. ओके, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.4 गॉस, राइट. तो बी स्क्वायर हो जाएगा बी ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस बी ऑफ वर्टिकल स्क्वायर. तो बी वर्टिकल स्क्वायर हो जाएगा पॉइंट ऑफ 16 माइनस पॉइंट ऑफ 22 होल स्क्वायर, राइट. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब एंगल ऑफ डिप ढूंढना है, टेन फाइव दैट इज बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.16 माइनस 0.22 होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल हमारा कितना है, वर्टिकल 0.22. समझ में आ रहा है. तो इसको हम अंदर लेके जाते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 0.16 बाय 0.22 होल स्क्वायर माइनस 1. तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है. तो 10 फाई हमारा 1.5 समथिंग आ रहा है. तो फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1.5, दिस वुड बी योर परफेक्ट आंसर, राइट बच्चा जी. हाँ है ना, क्लियर है. तो ये 1.5 समथिंग, दिस वुड बी योर परफेक्ट आंसर. आकाश कुमार, मैं आपका नाम ले चुका हूं. चलो तो गाइस, इसका ये आंसर आया प्लस 4, अपने मार्क्स में जोड़ दो. चलिए तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके चलो, एट विच प्लेस द अर्थ मैग्नेटिज्म बिकम्स द हॉरिजॉन्टल, एट विच प्लेस द अर्थ मैग्नेटिज्म बिकम्स द हॉरिजॉन्टल. कैन हैव द आंसर्स इन टू द कॉमेंट बॉक्स. बच्चा जी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है. हर कोई जाएगा श्रवण ससुराल, टेंशन मत लो, ठीक है ना. जो रैंक लाएगा वो सक्षम, समझ में आ रहा है ना. नहीं लाएगा फिर वो फील्ड ढूंढने लगेगा, ये कर ले वो कर ले, एडजस्टमेंट करने लगेगा, समझ में आ रहा. तो आपको डिसाइड करना है एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना. यस, आई थिंक गौरव, अमन, एकता, सहर, ईशा, हिबा, गौरव, विकास, नितेश इज गिवन द आंसर. ऑसम बच्चा. ओके चलो, लेस देन अप्रोक्स अप्रोक्स आपकी 10 सेकेंड्स रह गई है. चलो ओके, नितेश इज मैग्नेटिक इक्वेटर. ओके, मैनी ऑफ द मोनू, आरती, चारू, कीर्ति, नंदी, सचिन, आयुषी, मिस्टर जेन्यून, ओके ऑल हैव गिवन द आंसर्स. ओके चलो, टाइम्स अप. यस बच्चा जी, बहुत सिंपल सी चीज है. हॉरिजॉन्टल कहाँ हो जाएगी, मैग्नेटिक इक्वेटर पे ही हो जाएगी. हॉरिजॉन्टल कहाँ हो जाएगी गाइज, मैग्नेटिक इक्वेटर पे ही हो जाएगी, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर, राइट. और इसके बारे में हम ऑलरेडी आगे डिस्कस भी कर चुके हैं, राइट बच्चा जी. ओके, एकता मोरे सेज एनिमेशन इज ऑसम, थैंक यू बच्चा जी, राइट. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस. लेट वी एंड एच बी द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ नियर द नॉर्थ पोल. नियर द नॉर्थ पोल क्या होगा सिचुएशन, कैन हैव द आंसर्स इन टू द कमेंट बॉक्स. अब यहां पे हम मैग्नेटिक नॉर्थ या जियोग्राफिक नॉर्थ की बात करें, दोनों के लिए आंसर थोड़ा बहुत सेम ही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट वो क्या, इनइक्वालिटी के टर्म्स में दिया हुआ है ना, लेस देन ग्रेटर देन, आंसर इनइक्वालिटीज के टर्म्स में दिया हुआ, समझ में आ रहा बच्चा जी. तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो मैग्नेटिक नॉर्थ हो या जियोग्राफिक नॉर्थ हो. चलो गाइज, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली हाफ. इशिका, यस बेटा मैं 11th भी पढ़ाता हूँ, 12th भी पढ़ाता हूँ, दोनों का क्रैश कोर्स चल रहा है. जल्दी नीट 2.0 वर्जन में भी मैं आऊंगा, सर के साथ मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चा जी. आया ना, अभी क्या क्रैश कोर्स है, राइट, ठीक है ना. तो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्रैश कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैं नीट 2.0 में भी आपके लिए जरूर आऊंगा. ओके बच्चा जी, तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ 11th के भी क्रैश कोर्स के जो सेशन है वो जरूर शेयर कीजिएगा, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. कार्तिक, सम्मान, अशोक इज गिवन द आंसर, रिदम, मोनू, मिस्टर जेन्यून, ओके, हीमा, स्वाधीनता, सुष्मित, सहर, कीर्ति, ऑल हैव गिवन द आंसर. गाइस सिंपल सी चीज है, राइट. अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं, ये अर्थ हो गया बच्चा जी,
अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करता हूं तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, अगर मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ की बात कर रहा हूं तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया। दोनों जगह पे समझ में आ रहा है ना, दोनों जगह पे समझ में आ रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, हॉरिजॉन्टल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा और इन दोनों पोजिशन पे अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वी इज मोर बी एंड दैट इज बी वी इज मोर। समझ में आ रहा है बच्चा जी, तो V इज ऑलवेज ग्रेटर देन H ही रहेगा एट द मैग्नेटिक नॉर्थ। समझ में आ रहा है? इंडियन रिदम आई थिंक इट वुड बी मोर लाइक अप्रोक्सीमेटली फॉर 1:1। प्रवीण बेटा, शया प्रवीण बेटा, यस आई थिंक हमारा अनअकैडमी पे भी कोर्स है जरूर, लेकिन उसको जानने के लिए आप हमें अनअकैडमी प्रोफाइल पे फॉलो करके कम्युनिकेट कर सकते हो वहां मैसेज करके। यस, 2 महीने का भी कोर्स है, राइट बच्चा जी? हाँ, है ना, आप जरूर हमें फॉलो कर सकते हैं वहां पे और हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट मोर रहेगा, ठीक है बच्चा जी? यस, हिट द लाइक बटन गाइस, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, कोई कंजूसी नहीं, राइट? और अगर आप अनअकैडमी पे पूरा साल मुझसे पढ़ना चाहते हैं, समझ में आ रहा है बच्चा जी, तो प्लस को जरूर सब्सक्राइब करा लीजिए, राइट बच्चा जी? फिजिक्स इस तरीके से मैं पढ़ाता हूं जैसे दूसरों को पढ़ाने लायक हो जाओगे, ठीक है? चलो, ए इज अ परफेक्ट आंसर, जिसका ये आंसर आया प्लस 4 अपने मार्क्स में जोड़ दो, और जिसने ईमानदारी से टोटल किया है, ओके, जिसने ईमानदारी से टोटल किया है फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर रखते जाओ, राइट? फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर रखते जाओ जल्दी। राम गोपाल बेटा, एवरीथिंग इज देयर, डोंट गेट वरीड, जस्ट कम्युनिकेट विथ मी, राइट, ऑन द टेलीग्राम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, राइट बच्चा जी? आई विल गिव यू द एवरी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स रिगार्डिंग टू इट। इंडियन रिदम फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, ओके गाइज? चलो, जिन लोगों भी 2020 की तैयारी करनी है, 2021 की तैयारी करनी है, डोंट गेट वरीड, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आई विल गिव यू द परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन नेट गाइज, परफेक्ट स्ट्रेटेजी, एंड इट इज एप्लीकेबल ऑल्सो, सम ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स वो भी फॉलो भी कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, देयर इज स्कोरिंग गुड ऑल्सो, राइट बच्चा जी? ओके, यस, सो आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन 3 wrong 4 wrong, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए गाइज, देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से होमवर्क दे रहा हूं, राइट? नेक्स्ट सेशन में जो इस होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजेगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकॉल हिज और हर नेम, राइट बच्चा जी, इनटू द लाइव सेशंस। तो आप जरूर होमवर्क का नाम मुझे भेजिएगा। आई थिंक रुचिता इज अ गर्ल जो मुझे आंसर भेजती है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, है ना, ठीक है ना? उत्कर्ष इज ऑल्सो द वन पर्सन, राइट, जिसके मेरे पिछली बार आंसर आए थे, राइट बच्चा जी? तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, ये भी मेरी तरफ से होमवर्क है बच्चा जी, जरूर मुझे इसका आंसर सॉल्व करके भेजिएगा टेलीग्राम पे, और बच्चा जी ये भी मेरी तरफ से होमवर्क है और इसका भी आंसर मुझे टेलीग्राम पे जरूर भेजिएगा, राइट बच्चा जी? क्लियर है? हाँ, ना, सो गाइज आई वुड बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट बच्चा जी? चलिए गाइज, तो जिन लोगों ने अनअकैडमी को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कराया है, राइट, पहले तो मैं नीट लाइव डेली 2.10 वर्जन का टाइम टेबल बता देता हूँ। मंडे टू वेनसडे 11th स्टैंडर्ड चलेगा, 4 से 5 सचिन सर पढ़ाएंगे, 5 से 6 महेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद मैं भी आ जाऊंगा वहां सर के साथ पढ़ाऊंगा, एंड आफ्टर दैट 6 से 7 अनूप सर पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स अभी चल रहा है 7 से 8 प्रदीप सर, 8 से 9 मैं पढ़ाऊंगा, आज रात को भी रहेगा, प्रेजेंट रहना, और 9 से 10 अनूप सर, एंड द संडे इज फॉर एंटायर मोटिवेशन, ओके गाइज? चलिए, दिस इज सेम फॉर दी 12th, राइट बच्चा जी? ओके, दिस इज द सेम फॉर दी 12th, समझ में आ रहा है बच्चा जी? दिस इज सेम फॉर दी 12th, राइट बच्चा जी? ओके, चलिए, संडे इज फॉर मोटिवेशन। तो गाइज, जिन लोगों ने अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं कराया अब तक, तुरंत करा लो यार, ऐसी पढ़ाएंगे फिजिक्स, दोनों को दूसरों को पढ़ाने लायक हो जाओगे, समझ में आ रहा है? दूसरों को पढ़ाने लायक हो जाओगे, ठीक है? हाँ, है ना, सो ये मेरा कोड इज लाइव, ठीक है ना, इसको प्रेस करके, समझ में आ रहा है, तुरंत अनअकैडमी को सब्सक्राइब करा लेना, ठीक है ना, तुरंत अनअकैडमी को सब्सक्राइब करा लेना, ओके बच्चा जी? चलिए, कुछ प्राइस ड्रॉप भी हुआ है और 0 cost EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। चलो, तो ध्यान से देखिए गाइस, ये हमारा सिस्टर चैनल है अनअकैडमी नीट JEE 9, 10, 10, 11, 10, 12, एंड गाइस इट्स ऑल अबाउट लेट्स क्रैक।
चलो गाइस बहुत सिंपल सी चीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मैक्सिमम शेयर करो विद द हैशटैग नीट लाइव डेली अपने स्टूडेंट्स के साथ, मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट बच्चा जी। और गाइस ये मेरा कोड इज लाइव, इसको प्रेस करके तुरंत अनएकेडमी में सब्सक्राइब करा लीजिएगा। ओके गाइस, सो दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, फिर 8 बजे मिलेंगे नए ऑसम सेशन में गाइस। सो दिस इज इंद्रजीत सिंह, बाय बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड बच्चा जी, बाय एवरीवन।